हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं शिवशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा के जनरल करेक्टर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए कार्डेट करेक्टर। पहला ऑप्शन है ए डार्सल और हॉलो ट्यूबुलर नर कार्ड, दूसरा है ए लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकार्ड, तीसरा है ए सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स और चौथा है डिप्लोब्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि जो कार्डेट्स होते हैं, ठीक है, कार्डेट्स जो होते हैं उनमें ए फॉलोइंग जो थ्री करेक्टर्स मेनली पाए जाते हैं। पहला करेक्टर से होता है कि उनके डार्सल साइड पे हॉलो ट्यूबुलर नर्व कार्ड पाया जाता है। दूसरा करेक्टरिस्टिक फीचर से होता है कि उसमें रॉड लाइक नोटो कार्ड पाया जाता है। और तीसरा जो होता है उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में या किसी न किसी फेज लाइफ साइकिल के किसी न किसी फेज में क्या होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि जो कार्डेट होते हैं कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि एक्टोडर्म मेजोडर्म एंड एंडोडर्म्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नोटोकार्ड इज कन्फाइंड टू प्रोबोसिस इन। पहला ऑप्शन है यूरोकार्डेटा, दूसरा एमिकार्डेटा, तीसरा सेफेलोकार्डेटा, चौथा है कार्डेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हेमिकार्डेटा। ठीक है, यानी कि जो नोटोकार्ड कन्फाइंड होता है, यानी कि नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है प्रोबोसिस में, वो किस में होता है, हेमिकार्डेटा। आप कमेंट्स में कमेंट करके बताइए कि हेमिकार्डेटा के मेंबर कौन है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेक्वाइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन। पहला ऑप्शन है हिप्पोकैम्पस, दूसरा है स्कॉलियोडॉन, तीसरा लेबियो और चौथा है प्रोटोप्टेरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन जिसको कुत्ता मछली डॉग फिश भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसका जो इसके सरफेस पे जो किस टाइप्स की स्केल्स पाई जाती है, तो पाई जाती है प्लेक्वाइड स्केल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कॉलियोडॉन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट जा वर्टिब्रेट बिलोंग टू क्लास। पहला ऑप्शन है साइक्लोस्टोमा, दूसरा है प्लेकोडर्मी, तीसरा है ऑस्ट्रेकोडर्मी और चौथा है कॉन्ड्रिची। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, प्लेकोडर्मी। ठीक है, प्लेकोडर्मी के जितने भी वर्टिब्रेट्स मेंबर्स होते हैं उन्हें फर्स्ट जा क्लास इसको कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंडोस्केल्टन ऑफ कार्डेट इज, कार्डेट एनिमल्स इज। पहला है लिविंग स्ट्रक्चर, दूसरा है लिविंग स्ट्रक्चर विदाउट ग्रोथ, तीसरा है लिविंग स्ट्रक्चर विथ ग्रोथ और चौथा ऑप्शन है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, यानी कि एंडोस्केल्टन जो कार्डेट्स एनिमल में होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, लिविंग स्ट्रक्चर्स विद ग्रोथ। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल कार्डेट्स। पहला ऑप्शन है अम्बिलिकल कार्ड, दूसरा है वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, तीसरा डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड और चौथा है स्यूडो सील, सीडो सिलोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, डार्सल नर्व कार्ड। ठीक है, यानी कि पूछ कह रहा था क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द ऑल कार्डेट्स। ठीक है, तो ऑल कार्डेट्स में क्या होता है, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड प्रेजेंट होता है और सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव क्लास ऑफ कार्डेट्स कंटेनिंग
एम्फियोक्सस एंड अ फ्यू रिलेटेड फॉर्म्स विच आर ऑल मेराइन। पहला ऑप्शन है सिफेलोकार्डेटा, दूसरा है यूरोकार्डेटा, तीसरा है हेमिकार्डेटा और चौथा ऑप्शन है वर्टिब्रेटा। यानी कि प्रिमिटिव क्लास जो कंटेनिंग एम्फियोक्सस इसमें से किससे रिलेट करता है, जिसमें सारे मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेराइन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है ए सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा का मेंबर ये क्या होता है, एम्फियोक्सस होता है। और इसके अंदर सिफेलोकार्डेटा के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, ऑल मेराइन होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्डेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट। पहला है केटला, दूसरा है हिप्पोकैम्पस, तीसरा है हेमी डेक्टाइलस और चौथा है एम्फियोक्सस। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, ठीक है, एम्फियोक्सस। ठीक है, एम्फियोक्सस जो होता है इसमें क्या होता है कि कार्डेट है बट वर्टिब्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लाइफ साइकिल में क्या होता है कि नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है और नोटोकार्ड अदर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये कार्डेट है बट वर्टिब्रेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि नेम द प्रिमिटिव वर्म लाइक एनिमल हैविंग सर्टेन कार्डेट फीचर्स सच एज गिल्स क्लेफ्ट एंड ए स्मॉल नोटोकार्ड इन इंटीरियर रीजन ऑफ द हेड ओनली। पहला ऑप्शन इसमें है सिफेलोकार्डेटा, दूसरा है हेमिकार्डेटा, तीसरा है यूरोकार्डेटा और चौथा है नन ऑफ द एवम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हेमिकार्डेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर ऑफ यूरोकार्डेटा और ट्यूनिकेटा। पहला ऑप्शन है इसमें नोटोकार्ड एंड हॉलो सेंटर नर्वस सिस्टम आर प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज। दूसरा ऑप्शन है द बॉडी इज एक्सट्रीमली एक्सटर्नली कवर्ड बाई ए थिक सेलुलोज क्यूटिकल और ट्यूनिक। तीसरा ऑप्शन है द सिलोम इज अब्सेंट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एवम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, नन ऑफ द एवम। क्वेश्चन नंबर 8 की 11th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नेम द एनिमल ग्रुप हुज मेंबर आर कंसिडर्ड डाउटफुल कार्डेट्स। पहला ऑप्शन है यूरोकार्डेट कार्डेटा, दूसरा है हेमिकार्डेटा, तीसरा सिफेलोकार्डेटा और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हेमिकार्डेटा। ठीक है, हेमिकार्डेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर्स ऑफ द सब फाइलम यूरोकार्डेटा। पहला ऑप्शन है वार्म लाइक एनिमल्स दैट लाइव इन बरो इन द मडी बॉटम ऑफ द शोर। दूसरा है क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स डिस्टिंक्ट। तीसरा है बोथ द नोटोकार्ड एंड द नर्व कार्ड आर वेल डेवलप्ड। चौथा ऑप्शन है नोटोकार्ड फाउंड इन लार्वा एंड इज कन्फाइंड टू द टेल ओनली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, नोटोकार्ड फाउंड इन लार्वा एंड इज कन्फाइंड टू द टेल ओनली। ए यूरोकार्डेटा का करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कार्डेट्स विथ ए बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। दूसरा ऑप्शन है प्रोटोकार्डेट्स, तीसरा ऑप्शन है वर्टिब्रेट्स, चौथा है हेमिकार्डेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, वर्टिब्रेट्स। यानी कि ऐसे कार्डेट जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होता है उनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट ए वर्टिब्रेट, पहला है फिश, दूसरा है फ्रॉग, तीसरा है सी हॉर्स और चौथा है सी स्क्वाड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सी स्क्वाड। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, स्केल्स इन द शार्क आर, पहला ऑप्शन है साइक्लॉइड, दूसरा है टिनॉइड, चौथा है तीसरा है प्लैकॉइड और चौथा है गैनॉइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी प्लैकॉइड, यानी कि जो शार्क में स्केल्स होता है वो कैसा होता है, प्लैकॉइड टाइप का। क्वेश्चन नंबर 16 और इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेमनियोट एनिमल्स, पहला ऑप्शन है लेबियो, दूसरा है क्रोकोडाइलस, तीसरा है कोलंबा और चौथा है रेटस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए लेबियो, ठीक है। ए नेमनियोट और एक होता है ए नेम नियोट, जिसमें फिशेस ऑल फिशेस और एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस, जबकि एमनियोट में, ठीक है, एमनियोट में रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमेलिया आएगा, ठीक है। तो ये कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक आप कैंडिडेट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो टीपीएसटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।